दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही रहस्यमय जगह है जहाँ कई ऐसे रहस्यमय चीज छुपे हैं जिनके बारे में हर स्पेस लवर जाना चाहेगा। इन्हीं रहस्यों में से एक है हमारा यूनिवर्स और उसे फैलाने वाला डार्क एनर्जी। अभी लास्ट वीडियो में ही हमने एक ऐसे ब्लैक होल की बात की थी जो डार्क एनर्जी से बना था। आज उस ब्लैक होल की तो नहीं, बट हाँ, इस डार्क एनर्जी एंड अपने यूनिवर्स के कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में जानने वाले हैं। इससे जुड़े सवाल हर क्यूरियस माइंड में जरूर आया होगा, लाइक क्या हमारा यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है? अगर नहीं तो किस वजह से या किसने इसे बनाया? हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में जो थोड़े रिलीजियस साइंटिस्ट थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि यूनिवर्स का क्रिएशन गॉड की वजह से हुआ है, तो वहीं कई ऐसे भी थे जिन्हें यह गॉड का आइडिया पसंद नहीं था एंड वो इसके अल्टरनेट की खोज करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक ऐसी थ्योरी जो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में थियोरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से बता सके। फाइनली 1922 में रशियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स यानी फैलते हुए ब्रह्मांड की कल्पना को सामने रखा, जिसे उन्होंने अपने फ्रेंड पॉल एरेनफेस्ट को एक लेटर के जरिए बताया। उनका यह आइडिया बस एक कोड़ी कल्पना नहीं था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मास्टरपीस जनरल रिलेटिविटी मैथमेटिकली एक ऐसे ही ब्रह्मांड के बारे में बता रही थी जो हर पल बड़ा हो रहा हो। इन सब बातों का यह मतलब था कि हमारा यूनिवर्स अपने साइज में हर पल बड़ा हो रहा है, जो कि उस वक्त के मेन स्ट्रीम आइडियाज के खिलाफ था। फ्रीडमैन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस बात को मैथमेटिकली प्रूव किया था कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, जिसके लिए उन्हें द मैन हु मेड द यूनिवर्स एक्सपैंड यानी वो इंसान जिसने ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर कर दिया भी कहा गया था। दोस्तों, आज हम इसी मॉडल एंड बिग बैंग थ्योरी से इसकी रिलेशनशिप के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक देखना मत भूलना। मैं हूं आपका न्यू फ्रेंड चंद्र एंड चलिए शुरू करते हैं। 1915, ये वो समय था जब हमारे महान वैज्ञानिक और आपके चहेते अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था। इस थ्योरी का जन्म ग्रेविटी के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हुआ था, जो टास्क न्यूटन ने फ्यूचर जनरेशन को सौंपा था। जनरल रिलेटिविटी एक तरह के फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर स्पेस टाइम की परिकल्पना करती है। इसमें होने वाले कर्वेचर से हमारी ग्रेविटी का जन्म होता है। स्पेस टाइम, जो कि नाम से ही ऐसा लगता है कि स्पेस और टाइम से मिलकर बना है, बट यह कहना पूरी तरह से गलत है। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक नए तरह के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन किया था, जो स्पेस और टाइम से मिलकर नहीं बना, बल्कि इस स्ट्रक्चर से स्पेस और टाइम का जन्म होता है, क्योंकि स्पेस और टाइम स्पेस टाइम से इमर्ज होते हैं। इसलिए जो चीज़ें जैसे कि मैश, एनर्जी, प्रेशर, स्ट्रेस और मोमेंटम स्पेस टाइम को अफेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्टली स्पेस और टाइम के फ्लो को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इन पांच चीज़ों की वजह से जिस ग्रेविटी का जन्म होता है वो सिर्फ चीज़ों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने तक ही सीमित नहीं है। वैसे तो आप जिस ग्रेविटी से परिचित हो उसने हमेशा आपको इस बोर्डिंग से ज़मीन की ओर ही खींचा है, बट ग्रेविटी का एक और एस्पेक्ट भी है जो हमें सिर्फ लार्ज स्केल पे ऑब्जर्व होता है, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इससे पहले कि आप नीचे कमेंट करने लगे कि भाई वो तो डार्क एनर्जी की वजह से होता है, हम इस बात को आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट पहले आइए थोड़ा ब्रह्मांड के इतिहास को जान लेते हैं। द बिग बैंग मॉडल या थ्योरी, यह मॉडल हमारे जनरल रिलेटिविटी के फ्रीडमैन मॉडल पर बेस्ड है, जो कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इस बात को फॉलो करते हुए बिग बैंग मॉडल हमारे यूनिवर्स के बारे में यह बताती है कि हमारा यूनिवर्स अतीत में बहुत ही छोटा हुआ करता था। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में नहीं बताती एंड यह बात आप स्क्रीन पर दिखाए हुए सोर्सेज पे भी पढ़ सकते हो। ये बिग बैंग थ्योरी के एक्सटेंशंस हैं जो इस ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग यानी वो इनिशियल टाइम जब हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, तब हमारा ब्रह्मांड बहुत ही छोटा और डेंस था, जिसमें हो रहे क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे यूनिवर्स में मैटर का फॉर्मेशन हुआ। बट फॉर सम अननोन रीजन हमारे यूनिवर्स में मैटर का डोमिनेंस हो गया। वैसे तो हमारे पास इसके कई स्पेकुलेशन मौजूद हैं, जैसे कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से मेजॉरिटी ऑफ एंटी मैटर दूसरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में चले गए होंगे, या उस वक्त रियली हाई एनर्जी होने की वजह से क्वांटम फ्लक्चुएशन की सिमेट्री ब्रेक हो गई होगी एंड इसकी वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। बट अभी हम इन्हें साइंटिफिकली कंफर्म नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इन पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस हाई एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था वो बहुत ही तेजी से मूव कर रहे थे, यानी उस वक्त हमारे ब्रह्मांड में मैटर जिस स्टेट में क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से बनना था उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। फ्रेंड्स, यूनिवर्स का फॉर्मेशन यू कुछ इस तरह से हुआ होगा एंड इस बात को हम साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, यह हमें फ्रीडमैन के स्टूडेंट जॉर्ज गैमो ने बताया था। उनके मुताबिक यही मैटर जो क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से बना था
अपनी हाई एनर्जी की वजह से थर्मल रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा। थर्मल रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी चीज़ के गर्म होने की वजह से रिलीज होता है। लाइक आयरन, जब आप उसे भट्टी या फर्नेस में हीट करते हो तो वह रेड कलर का ग्लो करने लगता है, बट जैसे जैसे वह ठंडा होता है उसका यह रेडिएशन गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर पास्ट में हमारा यूनिवर्स बहुत ही छोटा और हॉट था तो यह रेडिएशन बड़े पैमाने में मौजूद होना चाहिए, जिसे डिटेक्ट करके हम थ्योरी को काफ़ी आसानी से प्रूव कर पाएंगे। यह थर्मल रेडिएशन एक खास नाम से जाना जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या शॉर्ट में CMBR, जो हमारे यूनिवर्स का हीट मैप है। CMBR को 1965 में रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पेंजियस ने डिटेक्ट किया था, एंड उस डिस्कवरी के लिए जिसने बिग बैंग को कन्फर्म कर दिया दोनों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बिग बैंग थ्योरी का पूरा आइडिया इस बात पर आधारित है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो 1915 में पब्लिश जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फील्ड इक्वेशन आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से ड्राइव किया जा सकता है। बट फर्स्ट टाइम जब उस डेरिवेशन को आइंस्टाइन ने देखा था तो शायद घबरा गए थे, एंड इसलिए उन्होंने इसमें कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को ऐड किया। आज आप सभी इस टर्म को एक अलग ही नाम से जानते हो, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसा क्वांटिटी है जो हर मामले में नॉर्मल मैटर की तरह बिहेव तो करता है एक्सेप्ट प्रेशर। जहां नॉर्मल मैटर पॉजिटिव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, अपने शेप में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वहीं डार्क एनर्जी नेगेटिव प्रेशर लगाती है। अगर आप डार्क एनर्जी से बने स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वह स्प्रिंग आपके टच मात्र से खुद ब खुद कंप्रेस हो जाएगी। है ना वियर्ड? डार्क एनर्जी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारा यूनिवर्स आज फैल रहा है। बट वॉट इफ ये सारा का सारा डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में अचानक से गायब हो जाए? क्या हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन थम जाएगा? वेल ऑनेस्टली नो, कोई भी यूनिवर्स जो स्टैटिक है अनस्टेबल भी होगा। एक छोटा सा चेंज उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेट को रिज्यूम कर देगा। बट यही नहीं, डार्क एनर्जी की एब्सेंस में भी यूनिवर्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि डार्क एनर्जी सिर्फ उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाले स्टेट को एक्सेलरेट करता है, बिल्कुल एक फ्यूल की तरह। इसी डार्क एनर्जी की वजह से हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के समय इन्फ्लेट कर रहा था, जिससे थियोरेटिकली हमारे जैसे कई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी भी है। बट क्योंकि साइंस के लॉज किसी तरह से बंधे हुए नहीं है कि वह सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए इनमें से कई सिर्फ एक वीरान सी जगह होगी। एंड इसीलिए तो हम काफ़ी लकी हैं कि हमारे यूनिवर्स में साइंस के लॉज लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पाए। अगर वीडियो से कुछ न्यूज सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।